हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप सभी स्टूडेंट को यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग उपस्थित हुए हैं डीएलएड साइंस डिस्कशन क्लास में। सभी स्टूडेंट को ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस 3 मार्क्स का होता है, और इस प्रकार जो है कि 450 नंबर आ जाते हैं, जिसमें जो है कि साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स आता है। 60 मार्क्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी 3 पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस में 3 पेपर आ जाता है, और तीनों पेपर से जो है कि 20 क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। आपको ये पता होगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो आपको सही में से 1 नंबर माइनस कर दिया जाता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि वह क्वेश्चन को टच करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो सबसे पहले सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक जो है कि क्वेश्चन को बनाएंगे और बनाने के बाद जो है कि आंसर को देंगे, नहीं तो आपके सही में से 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए आप को किसी भी प्रकार का विशेष जानकारी लेना है, किताब से संबंधित, क्लास से संबंधित या किसी क्वेश्चन से संबंधित, तो आपके सामने ये नंबर दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर से जो है कि आप संपर्क करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो हम लोग अपने सेट पे आते हैं। तो आज जो है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 नंबर, मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 नंबर जो है कि हम लोग देखेंगे कि 10 नंबर में क्वेश्चन क्या है। तो कहता है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का तना होता है। अब अदरक के साथ साथ आलू प्याज लहसुन, ये सब क्या होता है? तना होता है। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है? तना होता है, जिसको भूमिगत तना कहते हैं। और इसका उपयोग जो है कि खाने के काम में लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 1। 62 क्वेश्चन नंबर 62, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होता है? तो नाइट्रोजन 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और हाइड्रोजन सूर्य तथा तारा में पाया जाता है, और इसे जो है कि सूर्य तथा तारा का ईंधन कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन जो है कि वातावरण में सबसे प्रमुख कौन सी गैस है, गैस कौन सा है? तो ये हो गया नाइट्रोजन, जो वातावरण में 78% जो है कि पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए बन जाता है। 63 में कहता IUPAC नेम। तो IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री मेथड होता है। IUPAC का पूरा नाम क्या हो गया? तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री मेथड होता है। और उस मेथड में इसका नाम क्या होगा? तो काउंटिंग 1, 2, 3, 4, ये ब्रांच कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। और कितने नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल, और काउंटिंग में कितना है? 4 है। तो 4 के लिए क्या बोलते हैं? तो ब्यूटेन बोलते हैं। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब कौन सा ऑप्शन में है 2 मिथाइल ब्यूटेन? तो 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं होगा, 2 एथाइल प्रोपेन नहीं होगा, आइसोपेंटेन नहीं होगा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
और आइसोपेंटेन जो है ये जनरल नेम, क्या है ये जनरल नेम, जनरल नेम होता है। तो यदि जनरल नेम कहा जाए तो इसका जनरल नेम जो है के आइसोपेंटेन ये है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम टू मिथाइल ब्यूटेन और जनरल नेम क्या हो जाएगा तो आइसोपेंटेन हो जाएगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो लोहे के साथ Fe होता है प्लस निकेल होता है प्लस क्रोमियम होता है। लोहे के साथ हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, तो निकेल मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं, और मिलाकर जो है कि स्टेनलेस धातु स्टेनलेस स्टील बनाते हैं जिसमें क्रोमियम की मात्रा 16 से 21% निकेल की मात्रा और क्रोमियम की मात्रा, तो क्रोमियम की मात्रा 16 से 21% क्रोमियम 16 से 21% होता है और निकेल की मात्रा जो आता है ये 6 to 26 होता है, 6 to 26% जो होता है कि निकेल होता है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो जास्ता नहीं होगा, मैग्नीज नहीं, टेन नहीं, तो ये हो गया बी निकेल हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, तो जिस पानी का डेंसिटी यानी घनत्व अधिक होता है वह पानी ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किस पानी का होता है, तो समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होता है, और घनत्व ज्यादा होने के कारण जो है कि यह ऊष्मा का अत्यधिक चालक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सबसे अच्छा चालक समुद्र का पानी। ऐसे भी हम लोग सुने होंगे कि गर्मी के दिनों में जो है कि वाटर वेपर बनता है, तो वाटर वेपर जो है कि समुद्री जल का सबसे अधिक जो है कि समुद्री जल का वाटर वेपर बनता है, क्योंकि समुद्री जल का तापमान अधिक होता है और अधिक होने के कारण क्या होता है, तो यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अब यह प्रोड्यूसर गैस का दूसरा नाम जो होता है वायु अंगार गैस होता है और यह CO प्लस N2 का मिश्रण होता है, और इसको बोलते हैं जल गैस बोलते हैं। तो वायु अंगार गैस, जल गैस, और इसको बोलते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं मीथेन बोलते हैं, और ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु अंगार गैस कैसे बनाते हैं, तो लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने से वायु अंगार गैस का निर्माण होता है, और लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से जल गैस का निर्माण होता है। CO प्लस H2 जल गैस होता है और CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस होता है। LPG में कौन सा गैस गंधीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ, तो इथाइल मरकैप्टन C2H5SH, इसको कहते हैं इथाइल मरकैप्टन कहते हैं, और इसका स्मेल जो होता है वह सड़े हुए अंडे के समान होता है। LPG लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस में अपना स्मेल नहीं होता है,
इसमें स्मेल के लिए इथाइल मर्केप्टर मिलाया जाता है। और मिलाने से फायदा क्या होता है कि इसे लीकेज की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि एलपीजी लीकेज तो नहीं है, क्योंकि यह ज्वलनशील गैस होता है और लीकेज के बारे में जानकारी नहीं होगा तो दुर्घटना होने की संभावनाएं जो है कि बढ़ जाता है। इसीलिए इसमें स्मेल के लिए इथाइल मर्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है। और इथाइल मर्केप्टेन का अनुशोध C2H5SH होता है। क्वेश्चन नंबर 68, बिजली के लैंप का तनु फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। और टंगस्टन का गलनांक जो होता है लगभग 3400, टंगस्टन का गलनांक जो होता है ये 3400 डिग्री सी होता है। टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सी। और चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो इसको बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? चांदी को कहते हैं। और इसका लैटिन नाम जो होता है अर्जेंटम होता है। लैटिन नाम क्या हो गया? अर्जेंटम, चांदी। और यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 69, किसी चुंबक को गर्म करने से, तो चुंबक को गर्म करने से या हथौड़े से पीटने से या रगड़ने पर या ऊंचाई वाले स्थानों से गिराने पर चुंबक का चुंबकीय गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चुंबक को चुंबक के साथ नहीं रखना चाहिए, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को हथौड़े से पीटना नहीं चाहिए, चुंबक को ऊंचाई वाले स्थानों से नीचे नहीं गिराना चाहिए। तो इन सभी कारणों से चुंबक का चुंबकीय गुण जो होता है घट जाता है। तो किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबक का क्या असर होगा? तो घट जाएगा। चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट होता है? संश्लेषित कहने का मतलब क्या हुआ कि लैब में बनाया हुआ। इसमें सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट जो होता है ये संश्लेषित डिटर्जेंट होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3, जिसको खाने का सोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है या रंग उड़ाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है? तो बायोगैस में क्या क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये बायोगैस में होता है। क्लोरीन गैस जो होता है कि नहीं होता है, यह क्या है? तो विषैला गैस होता है। क्लोरीन गैस कैसा होता है? तो विषैला गैस होता है, जो बायोगैस में नहीं पाया जाता है। बायोगैस कैसे बनाते हैं? तो जीव जंतु का जो अवशेष होता है उस अवशेष को बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज होने पर बायोगैस का निर्माण किया जाता है। और बायोगैस में मीथेन जो होता है मुख्य अवयव मीथेन होता है। और यह लगभग जो है कि 65% बायोगैस में मीथेन लगभग 65% पाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 71 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्लोरीन, जो क्लोरीन बायोगैस में नहीं होता है। 72,
बल का एसआई मात्रक, एसआई का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन जोल कार्ज का होता है, या ऊर्जा का एसआई मात्रक वाट जो होता है शक्ति का होता है मात्रक, और केल्विन जो होता है वह ताप का मात्रक होता है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, और कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जोल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है? तो यहां जो है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है रॉकेट प्रोपेलन में, मिथाइल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, 73 का ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन का उपयोग जो है कि प्रोपेलेंट के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में जो है कि इसका उपयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबर के वल्केनाइजेशन, जिसको गंधकीकरण क्या बोलते हैं, गंधकीकरण भी बोला जाता है वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन प्रोसेस में गंधक में सल्फर को मिलाकर गंधकीकरण, तो गंधकीकरण मतलब कि गंधक, तो गंधक को मिलाकर, सल्फर को मिलाकर 150 डिग्री सी ताप पर लगभग आधा घंटा जो है, आधा घंटा 30 मिनट तक जो है कि गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन या गंधकीकरण के नाम से जाना जाता है। तो प्राकृतिक रबर में सल्फर को मिलाकर, तो सल्फर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी 75। बाहरी अंतरिक्ष से स्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है, तो दूरदर्शी का नाम क्या है, तो हब्बल का दूरदर्शी, हब्बल का दूरदर्शी। तो दूरदर्शी का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए करते हैं, तो उस प्रकाशीय यंत्र को दूरदर्शी के नाम से जाना जाता है, और ये जो होता है हब्बल दूरदर्शी, तो दूर की वस्तु को देखने वाले प्रकाशीय यंत्र को दूरदर्शी के नाम से जाना जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आंख के किस भाग पर, तो आंख का जो आंतरिक भाग होता है उस भाग को रेटिना कहा जाता है, क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पे बनता है, तो उस वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यदि रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उस वस्तु को जो है कि हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, और इस प्रकार से जो है कि हमारे आँख में दृष्टि दोष होता है, और ये दृष्टि दोष अलग अलग होता है, जैसे जो है कि शॉर्ट साइटनेस, फार साइटनेस, जिसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है, मोतियाबिंद के नाम सुने होंगे, प्रेस बायोपिया का नाम सुने होंगे, तो ये आँख में होने वाला बीमारी होता है। इस प्रकार के बीमारी में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर नहीं बनता है, और नहीं बनने के कारण जो है कि वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये दृष्टि पटल रेटिना पर बनता है। और कॉर्निया क्या होता है,
तो नेत्र का जो ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है, तो प्रत्यारोपण में जो है कि कॉर्निया का उपयोग किया जाता है, कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। 77 पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ती है, तो यहां दिन में CO2 लेती है और ये जो है कि प्रकाश और पर्णहरित के उपस्थिति में C6H12O6+O2+H2O। तो दिन में कौन सा गैस छोड़ती है, तो ये ऑक्सीजन। कौन सा गैस लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लेती है और ये छोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए, कौन सा गैस छोड़ती है, तो ये ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होता है, हाइड्रोजन सूर्य तथा तारा में होता है, नाइट्रोजन 78% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl जिसको साधारण नमक कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसको सोडा कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जिसे नाइटर के नाम से जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास जो होता है वह KOH कास्टिक पोटास होता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी। 79 मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा होता है, तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि शरीर में वर्तमान सभी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है और नियंत्रित करने के कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और यह मस्तिष्क में पाया जाता है, इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है और सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है यह गले में पाया जाता है, नेक रीजन में पाया जाता है और इसके द्वारा जो हार्मोन होता है थायरोक्सिन होता है और थायरोक्सिन में आयोडीन की कमी से घेघा की बीमारी होती है। पैंक्रियाज से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाता है तो ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन नहीं होने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है और बीमारी होती है, उस बीमारी को ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से पूर्णतया ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है, तो बालू SiO2 ऑक्सीजन है, सीसा में क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है, इन सभी से जो है कि मिलाकर बनाया जाता है। सीमेंट में CaO होता है, CaSO4 × ½H2O होता है, तो इसमें भी ऑक्सीजन है। और केरोसिन जो होता है ये क्या होता है हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग जितना आज
सेट मॉडल सेट नंबर 10 में क्वेश्चन देखे हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के किताब में मिलेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आप किसी भी तरह के मॉडल प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखें, और देखकर यदि हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ होने की संभावनाएँ बन जाता है। तो आप किसी भी प्रकार के किताब का प्रयोग कर सकते हैं, और उन सभी किताबों में मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ रहता है। मॉडल प्रैक्टिस सेट देखें, सीखें, और विशेष जानकारी के लिए जो है कि आप इस नंबर से जो है कि संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की शिक्षा से संबंधित दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है, टाइमिंग प्रॉब्लम होता है, तो आप इस नंबर से संपर्क करके आप अपनी सारी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में जो है कि पुनः मिलते हैं। ओके, बाय।